व्हाट्सएप तो आप लोग सभी चलाते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप की कई सारे ट्रिक्स हैं जो आज मैं बताऊंगा। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि मैंने ओजो टेक जो है चार स्टाइल में लिखा है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आप जो है चैट को कैसे हाइड कर सकते हैं, और आप जो है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, यानी कि अगर आपको कोई इंग्लिश में कोई लिख कर भेजता है तो उसको हिंदी में कैसे व्हाट्सएप में ट्रांसलेट करके दोबारा से उसको इंग्लिश में कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये फॉन्ट कैसे आपको चेंज करना है। अगर आपके पास आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जी बोर्ड, जी हाँ उसको नाम है जी बोर्ड। क्या नाम है लिख के बता दे रहा हूँ मैं, जी बोर्ड। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत साने बनते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर आपका बहुत ही साना बन रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है, तो आप इंग्लिश में रिप्लाई कीजिए। भाई इंग्लिश में रिप्लाई करना मैं आज आपको सिखाऊंगा, और या किसी भी भाषा में आप रिप्लाई कर सकते हैं इस जो जी बोर्ड एप्लीकेशन है इसके ज़रिए, और उसको सारा परमिशन दे देना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में कीजिएगा, तो और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये अलग अलग फॉन्ट बताता हूँ। जैसे कि सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्राइक वाला फॉन्ट दिख रहा है आपको, जिसमें कि क्रॉस लगा हुआ है, ये कैसे लिखा मैंने। तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेंडला साइन है, ये तिरछा वाला जो साइन है कीबोर्ड में, आपको इसको लिखना है, और उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा ओजो टेक, और यहाँ पर दोबारा से ऐसे लिख दिया, तो ये देखिए क्रॉस साइन आ गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद लिखना है, अहमदाबाद, तो ये सिंपली अहमदाबाद हो गया। लेकिन आप इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो ये साइन लगा दीजिए आप, ये वाला साइन दोनों तरफ टच होना चाहिए। जब ये टच होगा अहमदाबाद, तो ये दोनों तरफ जब टच होगा तो ये ऐसे स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे स्ट्राइक क्रॉस का साइन आ जाएगा। और दूसरा स्टाइल क्या है, जैसे कि बोल्ड में लिखना चाहते हैं बोल्ड, ठीक है, तो ये स्टार वाला साइन लिखिए, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ओजो टेक, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम, और यहाँ पर दोबारा से स्टार लगा दिया, और देखिए बोल्ड में आ गया। ठीक है, डार्क कलर में हो गया। अगर आप इटैलिक इटैलिक फॉन्ट चाहते हैं तो उसके लिए दोनों तरफ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर जो होता है जो नीचे लाइन होती है, ठीक है, अब इसमें मैं ओजो टेक लिखूँगा, यहाँ पर ओजो टेक, ठीक है, दोबारा से इधर अंडरस्कोर लगा दिया, तो देखिए इटैलिक बन गया, तिरछा दिख जाएगा। ठीक है, अलग अलग ये फॉन्ट आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ओजो टेक जो था डार्क था, ये स्ट्राइक वाला था, और ये तिरछा था, और ये क्या था टाइपराइटर। अब टाइपराइटर के लिए आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड में जाना पड़ेगा। अब जब गूगल इंडिक कीबोर्ड में जाएंगे तो नंबर वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर ये साइन वाला बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर ये जो ये वाला सिंबल है इसको तीन बार लिखना है, तीन बार इधर भी और तीन बार उधर भी, इसके बीच में आप जैसे टाइप कर दिया ओजो टेक, ठीक है, ओजो टेक टाइप कर दिया, और दोबारा से ये तीन बार लिख दिया, तो ये देखिए कैसे हो गया। अगर आप हटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये लगा दिया तीन बार तो ऐसे हो गया, देखिए ये, इसको कहते हैं टाइपराइटर फॉन्ट। ठीक है, तो ये था जो है चार फॉन्ट। अब मैं बता रहा हूँ कि मान लो कोई आपको हिंदी में या इंग्लिश में मैसेज कहता है, जैसे आई एम ओके फैबुलस, ठीक है, मान लो किसी ने कहा फैबुलस, ठीक है, एफ ए बी ओ यू, ठीक है, जैसे फेवरेट बोल दिया, फेवरेट किसी ने बोल दिया, अब आपको फेवरेट का मतलब मान लो नहीं पता है, इसको कीजिए कॉपी यहाँ से, ठीक है, कॉपी अब यहाँ से होता है, पहले ऊपर आता था ऑप्शन व्हाट्सएप में, तो फेवरेट कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें जो जी बोर्ड आपने डाउनलोड किया है जी बोर्ड प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको टाइप कर उसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए क्या आ गया, पसंदीदा। ठीक है, अब पसंदीदा यानी कि वो बंदा बोल रहा है कि आप उसके फेवरेट हो, तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि आप जो है उसके पसंदीदा हो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया भाई पसंदीदा, ठीक है, यही बोल रहे थे, तो इस तरह से फेवरेट का पसंदीदा आ गया। मान लो कोई आपको कहता है यू आर लुकिंग फेवलेस, ठीक है, अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता है कि आपको कोई आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड जो भी है बोलता है कि यू आर लुकिंग फेवलेस, तो अब इसका मतलब नहीं पता आपको, तो क्या करना है, इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा दबाए रखना है, और ये तीन डॉट जो दिख रहे होंगे उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कर लेना है कॉपी। ठीक है,
जब आप कॉपी कर लेंगे उसके बाद जी वाला सिंबल, ये गूगल वाला सिंबल है, इसके बाद यहाँ पर ये इसको क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, बंगाली, अफ्रीकन, अरेबियन, किसी भी भाषा में आप जो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ पेस्ट और अपने आप ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप शानदार लग रहे हैं, ठीक है, तो आप शानदार लग रहे हैं, वैसे हमारे सारे व्यूअर्स शानदार हैं और अच्छे हैं। इसी बात पे आप जो लाइक कर दीजिएगा वीडियो प्लीज़, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और अब चलिए बताते हैं चैट को कैसे हाइड करते हैं। मान लो ये इतने सारे लोग हैं और इस चैट को हाइड करना है, आप इसको किसी को शो नहीं करना चाहते, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक आता है पिन। ठीक है, पिन जो ये पिन सा बन रहा है, इससे क्या होता है कोई भी चैट सबसे ऊपर चली जाती है, यानी कि आप प्रायोरिटी दे देते हैं उसको। म्यूट करना चाहते हैं तो उसको म्यूट कर सकते हैं, कितने देर के लिए, 8 घंटे, यानी कि बार बार कोई मैसेज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो 8 घंटे, 1 वीक, 1 ईयर के लिए उसको म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार आपको परेशान कर रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, और इसके अलावा मान लो आपको इसको करना है चैट को हाइड, तो ये तीर वाला निशान नीचे की तरफ जो तीर वाला निशान बन रहा है 3 बिंदु के पास, उस पर क्लिक कीजिए और चैट हो गई हाइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है चैट को हाइड कर सकते हैं, किसी भी चैट को। अब आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को आपने इससे बातें की थी, और चैट जो है डिलीट भी नहीं होगा, तो ये फ़ायदा है आपका। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर कोई भी एक दो वीडियो और बनाऊँगा मैं व्हाट्सएप पर, आप जो है हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।